पनवाड़ी ब्लॉक सभागार में सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी के पद पर चयन होने वाली छात्राओं को किया गया सम्मानित। जी हां, बता दें कि पनवाड़ी ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अंजना श्री प्रकाश अनुराग के द्वारा सम्मान समारोह आयोजन कर छात्राओं को सम्मानित किया गया। बताते चलें कि सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी पद पर चयन हुई अलीशा और विनीता का हौसला अफजाई करते हुए सम्मानित किया। और इस दौरान ब्लॉक प्रमुख श्रीमती अंजना ने कहा कि बेटियां समाज का गौरव है, बेटियां किसी से कम नहीं। अब हमारी देश की बेटियां कई बड़ी बड़ी नौकरियां कर रही हैं और एक के बाद एक बुलंदियों को छू रही हैं। तो वहीं ब्लॉक के प्रतिनिधि ने कहा कि लड़का हो या लड़की दोनों एक समान है, कभी भी लड़कियों के हौसले को नहीं गिराना चाहिए, इनका हौसला हमेशा ही आगे आना चाहिए। इसलिए विनीता और अलीशा को सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई की है। तो वहीं अलीशा और विनीता ने कहा कि आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे, इस मुकाम का असली हकदार उनके माता पिता और गुरु जो उन्हें शिक्षा दी गई है, शिक्षा के द्वारा आज यह मुकाम हासिल हुआ है। और वह चाहते हैं कि सभी माता पिता और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, चाहे दो रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। यह पूरा कार्यक्रम पनवाड़ी ब्लॉक सभागार में आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, जो सम्मान समारोह हुआ, किस चीज़ के लिए के बच्चियों को सम्मानित किया गया है? हमारे ब्लॉक की दो बच्चियां हैं, अलीसा और विनीता। इन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में इनका चयन हुआ है और वो हमारे ही क्षेत्र में इनका पोस्टिंग भी हो रहा है। तो इसके संबंध में हमने उन बच्चियों को सम्मानित किया है। हम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चियाँ बेटियाँ जो हैं वो कहीं भी बेटों से कम नहीं हैं। बेटी हों या बेटे हों, सब एक समान हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में और समाज में लगातार बेटियों ने अपना नाम रोशन किया है। माँ बाप का तो वो नाम रोशन करते ही करते हैं, बल्कि हमारे समाज का भी नाम रोशन किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमको आज सम्मानित किया है और मैं जितने भी अभिभावक हैं, माता पिता हैं अपने क्षेत्र के, सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वो भी अपनी बच्चियों को पढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ और एक मैसेज दें कि किस प्रकार से बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं और कहीं से भी किसी से भी कम नहीं है। वो हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन करती हैं, हमारे परिवार का सहारा भी बनती हैं और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा हो, खेलकूद हो, पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। बेटा, नाम क्या है, किस को श्रेय जाता है इसका उपलब्धि का आपके? आदरणीय मेरे समस्त शिक्षकगण और गुरुजन और मेरे उपस्थित सभी आदर इनकी मैं बहुत, इन्होंने मुझे इतना मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगी। और यहाँ तक पहुँचाने के लिए ईश्वर के समान मेरे मम्मी पापा और मेरे शिक्षकगण और उपस्थित मेरे सभी, इन्होंने बहुत मेरी मुझे मोटिवेट किया है कि आप कुछ आगे कर सकती है, बढ़ सकती है, कुछ काम कर सकती है। यहाँ तक लाने के लिए मैं सदा आभारी रहूँगी। क्या नाम है बेटा? विनीता अहिरवार।